नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि परमवीर सिंह पर एक बार फिर से हाई कोर्ट की मार पड़ी है। जी हां, आप सभी ने देखा होगा कि जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया था, उसके बाद से ही लगातार महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा हुआ है। और अब जब मानसुख वाला केस आया है, तो इसने तो पूरी तरह से महाराष्ट्र के नेताओं की और इसके साथ ही वहाँ के बड़े अधिकारियों की पोल खोल कर रख दी है। अब आपको बता दें कि परमवीर सिंह को हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हाईकोर्ट ने परमवीर सिंह से पूछ लिया कि आपके बॉस द्वारा अपराध किया जा रहा था, आप चुप रहे, गलत काम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना आपकी जिम्मेदारी थी। जी हां, आप समझ रहे होंगे कि हाईकोर्ट ने किस तरह से परमवीर सिंह को ठोकर मारी है। बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमवीर सिंह से पूछा कि यदि उन्हें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा कथित रूप से गलत काम किए जाने की जानकारी पहले से ही थी, तो उन्होंने मंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। सिंह ने हाल में दावा किया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए कहा था। मंत्री ने कुछ भी गलत काम करने से इनकार किया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश जीएस कुलकर्णी की एक खंडपीठ ने सिंह से पूछा है कि उन्होंने पहले पुलिस में शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई। खंडपीठ ने कहा कि प्राथमिकी यानी कि FIR के बिना उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता या CBI जैसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच का निर्देश नहीं दे सकता। मतलब साफ है कि मुख्य न्यायालय जो है, उसने सीधे सीधे परमवीर सिंह से कहा है कि अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता था तो तुमने अब तक अपना मुंह बंद क्यों रखा और इस टाइम पर तुम ये खुलासा क्यों कर रहे हो। मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने आप यानी कि सिंह एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है ऐसा कह उन्होंने कहा आप साधारण आदमी नहीं है, गलत काम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना आपकी जिम्मेदारी थी, यह जानने के बावजूद कि आपके बॉस द्वारा अपराध किया जा रहा है आप बिल्कुल चुप रहे। अदालत सिंह द्वारा उच्च न्यायालय में 25 मार्च को दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें देशमुख के खिलाफ CBI जांच कराए जाने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने कहा है कि सिंह उच्च न्यायालय को मजिस्ट्रेट अदालत में परिवर्तित नहीं कर सकते। अदालत ने कहा है कि कार्रवाई का उचित तरीका आपके लिए पहले पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराना होगा। यदि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो आपके पास मजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन दाखिल करने का विकल्प है। सिंह के वकील विक्रम नानाकानी ने कहा है कि उनके मुवक्किल इस चक्रव्यूह से बचना चाहते थे। हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि यह कानून में निर्धारित प्रक्रिया है। मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने पूछा क्या आप कर रहे हैं कि आप कानून से ऊपर हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से परमवीर सिंह ने काफ़ी सारी बातें पहले तो छुपाई थी और उसके बाद अचानक से ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर ऐसे आरोप लगाए कि वो वसूली करवाते थे सचिन वाजे के द्वारा, अब कुल मिलाकर के ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, तो इसके बाद हाईकोर्ट ने सीधे सीधे परमवीर सिंह को लपेटे में लिया है और परमवीर सिंह से ये कहा है कि आखिर जब तुझे पहले से ये सब कुछ पता था तो तूने अभी तक अपना मुंह बंद क्यों रखा, तुझे पहले ही आकर के बता देना चाहिए था और इसके खिलाफ तुम्हें FIR भी करनी चाहिए थी। लेकिन परमवीर सिंह ने ऐसा पहले कुछ नहीं किया। अब जब परमवीर सिंह की भी पोल खुलने लग गई है तो वो खुद इसके बारे में खुलासा कर रहा है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।